सोनिहाल रुखां दी छां हेठ लगण वाले स्कूलों तो शायद ही अज की नवी पीढ़ी वाकफ होवे, पर अदखर अते बजुर्ग पंजाबी इन्हां रुखां हेठ दी छां हेठ लगण वाले स्कूलों तो भली भांत वाकफ ने। अजिहा ही अज एक स्कूल इन्हां बजुर्गों वास्ते फिर तो लगाया जा रहा है, जिथे एक पासे किसानी संघर्ष दिल्ली दीआं बरूहां ते लड़िया जा रहा है, उत्थे ही दूजे पासे किसानां नूं खेतां दे विच ही स्कूल लगा के एक खास शिक्षा दी जा रही है। आओ देखते हाँ कौन ने टीचर ते कौन ने विद्यार्थी ते की सिखाया जा रहा। इहदा मुख मकसद ये है कि आपां घट तो घट खर्चियां दे जरिए, घट तो घट जहरां दे जरिए, घट तो घट रसायणां दी वरतों करदे होए आपां अपनी खेती नूं करिए। हुण आपां जे गल करिए अज दे माहौल दी गल करिए ते कई अजिहे खर्चे ने, तुसीं खुद ये गल नूं तायीद करोगे कि जिहड़े असी अपने आप वधाए आ कई खर्चे, उन्हां खर्चियां ते अंकुश लाने वास्ते उन्हां खर्चियां बारे जानकारी तद ही आपां नूं मिलदी है जे असी खेतां 'च जा के देखिए भी किहड़ा कीड़ा की करन डिया साडे इस सिस्टम दे विच। इको सिस्टम 'च परमात्मा ने हर तरह का कीड़ा जिहड़ा वो हर तरह की सुगातां सानूं दित्तियां है। अगर कोई साडे वास्ते नुकसानदेह चीज़ हैगी है तो उहदे नाल फायदेमंद चीज़ भी नाल दित्ती है। वो नुकसानदेह चीज़ जिहड़ी है किसी ने एक कहा सीगा कि परमात्मा ने जो बनाया वो कोई नुकसानदेह नहीं है, हुंदा कि सानूं उहदे बारे जानकारी नहीं हुंदी, जदों जानकारी हुंदी है तो वह साडे वास्ते फायदेमंद साबित हो जाता। इस करके इस सिस्टम दे विच इह स्कूल लाउण दा मकसद साडा इहो ही है कि आपां खेतां 'च देखिए भी किहड़े काम कुदरत करन डई है। कई वारी असी जानकारी दे अभाव दे विच स्प्रे कर दिंदे आ जां वेखो देखी स्प्रे कर दिंदे आ ते साडा वो सारा तंत्र जिहड़ा कुदरत ने निजाम बनाया साडे खेतां दा वो सारा डिस्टर्ब हो जांदा। मित्र कीड़े जिहड़े कि एक साडे खेतां दी रखवाली करन दे दिन रात वो मर जांदे ने, उहनां दे मरण दे नाल हानिकार कीड़ियां नूं मौका मिल जांदा ते वो फिर चढ़दी कला चढ़ के साडे खेतां दा नुकसान करदे आ। इस करके आपां जे झात मारीए पिछले कुछ सालों देखिए तो कणक दे उत्ते कोई साडी स्प्रे नहीं सी हुंदी हुंदी, हुण सानू हर साल कणक दे उत्ते तेले आसे स्प्रे करन दी लोड़ पै रही है। कारण उहदा इह है कि जिहड़े साडे मित्र कीड़े ने उहनां नूं असीं किसे तरह खत्म कर बैठे हाँ। खास तौर पर मैं जिक्र करना चाहवांगा लाल भूंडी का, बहुत ही जबरदस्त मित्र कीड़ा है और लाल भूंडी कल्ली लाल भूंडी ही नहीं, ये बच भी जड़े ने साडे वास्ते फायदेमंद साबित हुंदे ने। और जदों असीं इहदे बच नूं वेखने आ हुंदा तो ये तो छोटा ही है, पहला वो बच इंज लगता कि बहुत खतरनाक कीड़ा होएगा, बड़ा ज़्यादा नुकसान करता होएगा, लेकिन जो तुम देखोगे वो नॉन वैजीटेरियन ने उन्हें सिर्फ हानिकारक कीड़े ही खाने ने, उन्हें पत्ते पुत्तिया कोई नुकसान नहीं पहुँचा। वो कहते जी एक कीड़ा ये लाल भूंडी है एक दिहाड़े 80 तेले तक खा सकती है, सो इन्नी यदि कैपैसिटी होंगी है। सो जदों असी इस पक्षों विचार करिए तो फिर काफ़ी हद तक साडा ये जड़ा कणक के उत्ते स्प्रे जिस करके आप करने साडा बचाव हो सकता। इस पक्षों ये स्कूल लाने का साडा मकसद ये है कि आप खेतों जाके तुहानूं दिखाइए। इस तरह होर फसलों की भी गल करिए उस उन्होंने भी काफ़ी कीड़े मकौड़े आते हैं जिन्हों बारे इस स्कूल के जरिए आप दसने तुम कोशिश करा। यदा मकसद आप प्रोग्राम ये बनाना है कि हर हफ्ते असी इत्थे ही मिला करांगे, खेतां च जावा करांगे और जिहड़े आले दुआले कीड़े सानू नज़र आते हैं उन्हां नाल तुहाडी तारुफ तुहाडा करावांगे तां कि तुसीं देखो उन्हां नूं उन्हां वाले झात मारो ते फिर असी उहदे मुताबक अपना खेती दा जिहड़ा ताणा बाणा बुण सकने आ। सो इस पक्षों इहो जिहियां गल्लां छोटी छोटियां गल्लां हुंदियां जिन्हां ते गौर करन दी लोड़ कि आपां दवाई सही थां तों लईए, सही ढंग नाल स्प्रे करिए और सही समें ते स्प्रे करिए। कई कीड़े अजिहे ने जिहड़े शामां नूं निकलदे आ, आपां सवेरे करती उहदा कोई फायदा नहीं, जां चोर सुंडी है ना, उन्हां खेतां दे विच स्प्रे आपां उदों करनी है जदों कीड़े दा हमला ज़्यादा होण दी संभावना होवे। और खास तौर पर पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी दीआं जो सिफारशां ने उस बकायदा लिखा है भी आह कीड़ा इस वक्त आउंदा है इहदे स्प्रे करनी है। अज क्वालिटी का दौर है, अंतरराष्ट्री पद्धर ते आपां सारी गल करन डिया भी क्वालिटी वधिया होनी चाहीदी है, वो क्वालिटी वधाउण वास्ते वधिया करन वास्ते ये जिहड़ा काम है घट जहरां दा घट खादां दा ये सानूं फार्मूला अपनाना पएगा। उस वास्ते खादा का इस्तेमाल वैसे मैं कहाँगा
कि आप खादा भी कई बार एवं अन्नेवा पाई जाने उस पक्षों भी जो आप मिट्टी परख वाले पास चलीए साडे जिले मिट्टी परख की सहूलत भी आप देने वो अपना के जो खादा इस्तेमाल करा काफ़ी साडा खादा का खर्चा जोड़ा वो घट सकता है बढ़ सकता है। दे फार्म स्कूल साढ़े एफ एस सी के चेयरमैन सरदार गुरदेव सिंह लाली जी और सरदार बलबीर सिंह बिट्टू कौंसलर मौजूदा जड़े ने और डॉक्टर गुलाटी जी और कटारिया साहब और डॉक्टर मनदीप सिंह ने जिन्होंने स्कूल जड़ा ऑर्गेनाइज़ किया। साडा ये फार्म स्कूल ऑर्गेनाइज़ करन दा जड़ा मेन मकसद आ वो जिदा डॉक्टर गुलाटी जी ने पहले तुहानू दस्या क्योंकि जिस तरह खेती खर्चे साढ़े दिन ब दिन वध रहे ने साडा मेन मोटिव आ किसानों के खेती खर्चे घटाने और इन्हों का जिहड़ा प्रॉफिट आ वो वधाउणा। सो कहण दा भाव आ भी फार्म स्कूल जिसों तुसीं नाम तो ही तुसीं देख रहे हो क्योंकि असी किसान दे फार्म ते जाके ये स्कूल जिहड़ा ऑर्गेनाइज़ करके और किसानों नूं जो खेत दे विच जो बीमारी या जो भी है कीड़ा मकौड़ा वो बारे जानकारी देनी है और साडा मेन इत्थे मकसद सी। और लगातार जिहड़ियां कणक की बिजाई तो पहला जिस क्योंकि सरकार वालों ये भी असी साडी जिहड़ी है झोने की पराली अग ना लगे और साडी जिहड़ी मशीनरी है वो असी लगातार सबसिडी ते जिहड़ी है वो भी कोशिश कर रहे हैं भी तुहाडे तक पहुँचाई जाए और लगातार बहुत सारे किसान वीर ने जिहड़े इंडिविजुअल तौर पर भी और सोसायटियां विच भी और ईवन के साडे ग्रुप्स जिहड़े सी उन्होंने भी ये मशीनरी लै के वो तुहाडी सेवा दे विच जिहड़ा लगातार जिहड़ा ये चल रहे है क्योंकि भावें मशीनरी बहुत महंगी सी लेकिन किसान वीरां नूं असीं यही जागरूक किया भी बहुत ही मशीनरी जिहड़ी है छोटे किसान दे हथ वस नहीं हैगा इह तुसीं सिर्फ ये जिहड़ियां वड्डे किसान जिहड़े कोई लैंदे ने जां ग्रुप बना के छोटे किसान लैण और तां कि जिहड़ी ये किसान वीर जिहड़े आ ये जिहड़ी मशीनरी है सोसायटियां दे थ्रू जां छोटे किसान जिहड़े बनाए इन्हां ने ग्रुप बनाए उन्हां दे थ्रू अपनी किराए ते लै के जिहड़ी है उन्हां कोल अपने जिहड़े प्रश्न जिहड़े करन। रंग जिहड़ा हैगा थोड़ा जिहा हल्का भूरा जानि कि चमकदा ओहदा थोड़ा हल्का जानि कि जिद्दां कह लो उत्ते जिवें मिट्टी लगी हुंदी है ओदां दा होएगा ते ओहदे उत्ते काले रंग दे गोल बिल्कुल गोल जिहड़े हैगे आ ओह स्पॉट होणगे ओह थोड़ी जी लंबी हुंदी है ओहदा जिहड़ा बच्चा हैगा ना जदों तुसीं ब्रिंजल नूं पुट्ठा पत्ता करके देखोगे थले ना जिवें कंडियां वाले पीली जी एक सुंडी हुंदी है उह तों बणदा ओह इहदी जिहड़ी सुंडी हुंदी है ओह बिल्कुल काले रंग दी हुंदी आ ओहदे उत्ते तीन स्पॉट जिहड़े आ सतरंगी ओह हुंदे आ। सो इह निशानी पक्की है वी जिहड़े तिखा पासा होएगा तिखी होएगी काले रंग दी होएगी ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਸੁੰਡੀ ਉਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਟ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭੂੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਪਾਡਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਿਊਚੀਰੈਲਿਸ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਬਰਡ ਬੀਟਲ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਕਾਲੇ ਤੇਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਹਿਕਮਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਫ਼ਤਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਲੀ ਭੁੰਡੀ ਦਿਖਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਭੁੰਡੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਆ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਜੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਫਸਲ 'ਤੇ ਫਸਲ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲਾ ਆਪਾਂ ਤੇਲਾ ਗਾ ਤੇਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝਾੜ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਗਿਣ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ
तो जे थोड़ा होवे तो आपां नूं उत्थे स्प्रे करन दी कोई लोड़ नहीं पैंदी। तो कई बार आपां इस तरह करते हैं भी आप अन्ने आवाज वो फलाने ने स्प्रे की आ आप भी स्प्रे कर दें, खाद भी घट पाओ। जो खाद जिनी है महकमा डिपार्टमेंट कहता है बार बार कहता है डाया जड़ा एक बारी पा लो दूजी बारी ना पाओ। आप झोना जो बीजते हैं झोने तीन तीन बोरे चार चार बोरे डाए के सुट दें यूरिए सुट दें वो नुकसान करते फायदा नहीं करते। धन्यवाद ता जिमीदारा का जेडे तुम इन्ने रजीवें कढ़ के तुम साढ़े को इतने आए हैं, बहुत बहुत ता धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोनिहार।